हाय फ्रेंड्स, मैं परवीन खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम स्वरूप कुमार जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अक्सर ड्रॉ गेम्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन जिस गेम को स्वरूप कुमार जी ने रेकमेंड किया है वो वाकई में बहुत ही गजब की, और इस गेम को ड्रॉ कराने के लिए भी बहुत हाई लेवल स्किल्स चाहिए होती हैं। मैंने एक बार एक चेस की बुक में पढ़ा था कि अगर आप अपनी सभी गेम्स को ड्रॉ कराने की एबिलिटी रखते हैं तो इट मीन्स आप कोई भी गेम नहीं हारने वाले, और उसमें जो भी आपको विक्ट्री मिलती है वो आपको प्लस पॉइंट देकर जाती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ दो फ्रेंच खिलाड़ी डेटलेव बेरेनबाउम और इलोई रलेंजे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। D4 के साथ यहाँ डेटलेव ने शुरू किया, E5 यहाँ इलोई ने किया, C4, E6, नाइट C3, C6, नाइट F3, डी टेक्स C4, देन हुआ A4, ताकि इस पॉन की मैं कहूंगा कि लीड को बरकरार रखा जा सके। लेकिन बिशप B4, नाइट को यहाँ पिन किया, देन हुआ E3, देन B5, बिशप गया D2 स्क्वायर पर, देन बिशप B7, सॉरी A takes B5। ऑब्वियस है बिशप टेक्स C3, एक पॉन की लीड को मेंटेन यहाँ व्हाइट रखना चाहता है। बिशप टेक्स C3, देन C takes B5, B3, देन A5, बहुत मुश्किल है इस पॉन की लीड को मेंटेन रखना। तो B takes C4, देन B4, और यहाँ इस बिशप पर अटैक है, और बातों ही बातों में ब्लैक ने यहाँ दो स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड पासर्स निकाल दिए। लेकिन व्हाइट के पास भी यहाँ एक सी फाइल में क्लियर पासर अवेलेबल होगा एंड गेम के लिए। खैर, बिशप बचाना था, बिशप गया B2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F6, तो बिशप गया D3 स्क्वायर पर, नाइट B गोज टू D7, देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया, क्वीन C7 तो E4। और फ्रेंड्स, E4 का मतलब क्या है, यहाँ इस पॉन को आगे पुश करके नाइट को अनस्टेबल करना, और उसके बाद इस एच पॉन पर अटैक बनाना, तो हुआ E5, C5। मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ इस डी पॉन को आगे पुश करना ज्यादा बेटर होता। E takes D4, बिशप टेक्स D4, देन नाइट G4 स्क्वायर पर। नाइट का G4 स्क्वायर पर आने का मकसद यहाँ कुछ ज्यादा मुझे लगता नहीं है, लेकिन माइट भी यहाँ ब्लैक इंटेंशन इस E5 स्क्वायर पर कुछ गेम खेलने की। बिशप गया D5 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना, देन नाइट D goes to E5 आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज किए। यहाँ डेटलेव ने Nxe5, Nxe5, देन F4, नाइट पर अटैक बना, नाइट गया C3 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना, बिशप आया B2 स्क्वायर पर, बिशप A6, बिशप एक्सचेंज ऑफर कर लिया यहाँ पर व्हाइट ने, रुक टेक्स A6, देन क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, तो क्वीन A7 से यहाँ ब्लैक ने इसका डिफेंस किया। और फ्रेंड्स, नाउ सारा स्टेज सेट हो चुका है। आप यहाँ ब्लैक के इन दो पॉन्स को, खासकर सपोर्टेड बाय क्वीन एंड रुक, इनको रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन व्हाइट यहाँ अपने सी पॉन को आगे नहीं बढ़ा सकता, ये भी ऑब्वियस है। रुक F2 यहाँ पहले व्हाइट ने की, देन हुआ A4, तो क्वीन गई G4 स्क्वायर पर, और क्वीन के G4 स्क्वायर पर जाने के बाद फिलहाल चलिए एक मूव के लिए अटैक बनता है। लेकिन यहाँ F5 पहले ब्लैक ने किया, E takes F5, देन हुआ A3, बिशप पर अटैक बना, बिशप के लिए E5 स्क्वायर पहले ही अवेलेबल है, देन हुआ B3। और फ्रेंड्स, ये दो पॉन प्रमोटिंग स्क्वायर से सिर्फ दो कदम की दूरी, F6, एक यही मूव बचता है जो यहाँ पर व्हाइट फिलहाल चल सकता है, लेकिन B2, रुक पर अटैक, रुक गया D1 स्क्वायर पर, देन हुआ Nxe5, Ftxe5, देन हुआ Qf7। लेकिन फ्रेंड्स, आखिर ब्लैक को यहाँ अपनी क्वीन को F7 स्क्वायर पर लाने की जरूरत ही क्या थी, जरा एक मूव पहले चलते हैं, क्योंकि यहाँ ब्लैक के पास इस ए पॉन को आगे पुश करके अपनी क्वीन प्रमोशन को सिक्योर करने की पूरी ऑप्शन थी। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो यहाँ पर पहले व्हाइट करेगा Ftxg7, Qxg7 होने के बाद होगा Rxf8 चेक, Kxf8, जब यहाँ ब्लैक को करना ही होगा, देन होगा Qc8 चेक। यहाँ ये दो पॉन प्रमोट होने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ व्हाइट के पास एक बहुत अच्छा गेम प्ले होगा इस गेम को लगभग चेकमेट तक पहुंचाने का। तो यहाँ क्या होगा, Kf7 होगा, देन होगा Rd7 चेक, Kg6 स्क्वायर पर जाएगा, देन Qxa6 चेक होगा, किंग के लिए H5 ही बचेगी मैं कहूंगा यहाँ से, तो Qe2 चेक होगा, Kh6 स्क्वायर पर गया अभी, देन Qe2 E3 चेक होगा, Kh5 आया, देन Qh3 चेक होगा। रिपीटेड चेक्स के बाद यहाँ ये क्वीन भी जाएंगी, और या तो यहाँ ये दोनों पॉन एलिमिनेट होंगे, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अगर B2 पॉन भी व्हाइट ने एलिमिनेट कर दिया तो दैट्स इनफ, और अगले मूव में मैं क्या कहूंगा, चेकमेट होने में कितनी देर लगने वाली है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। शायद इन्हीं कुछ कैलकुलेशन को देखते हुए यहाँ इलोई ने अपनी क्वीन को रखा F7 स्क्वायर।
तो हुआ क्वीन ए टू, और क्वीन के ए टू स्क्वायर पर आने का मकसद सिर्फ इस एफ पॉन को आगे पुश करना है? नहीं, कुछ और भी हो सकता है। खैर यहां पर यहां इस पॉइंट पर ब्लैक के लिए चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि वो अपने रुक को ई सिक्स स्क्वायर पर लाए। क्यों? रुक एफ वन जैसा कोई मूव यहां पर वाइट चलेगा, देन जी टेक्स एफ फोर, और यहां ये पॉन पिन होने का पूरा फायदा उठा जा सकता है। क्वीन जी फोर चेक हो भी गया, देन किंग एच एट स्क्वायर पर। खैर यहां ब्लैक की सिचुएशन इतनी स्ट्रांग थी, लेकिन इस एग्जैक्टली जो मूव अभी चला उसकी वजह से यहां उनकी गेम काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो गई। इन्होंने अपने क्वीन को रखा बी थ्री स्क्वायर। स्ट्रेटेजी दिखने में सही लगती है। यहां अभी क्या हो रहा है, ब्लैक यहां भी एक मूव पहले इस ए टू पॉन को आगे पुश नहीं कर सकता था, अदरवाइज उसे यहां अपना बी टू पॉन गवाना पड़ता। और अब क्वीन के बी थ्री स्क्वायर पर आने के बाद बहुत स्ट्रांग होल्ड हो चुका है यहां पर ब्लैक का इस बी वन स्क्वायर पर, लेकिन ये बी वन स्क्वायर पर पॉन प्रमोट होगा तभी तो। रुक एट एफ गोज टू एफ वन, पहले यहां व्हाइट ने किया, देन हुआ ए टू, दैट्स इट। अब ये दो पॉन प्रमोट होने से रुकना बहुत मुश्किल है, लेकिन व्हाइट के पास एक गजब का गेम प्ले। उन्होंने यहां किया रुक एफ सेवन चेक, और ऑब्वियस है किंग रुक टेक्स एफ सेवन हो ही नहीं सकता, अदरवाइज रुक डी एट चेक होगा, रुक बीच में लगेगा, देन रुक टेक्स एफ एट, और यहां ये मेट हो। तो यहां हुआ किंग एच एट, दैट्स ओके। क्वीन टेक्स ए सिक्स, और यहां रुक कम से कम ब्लैक को गवाना पड़ा, और ब्लैक की उम्मीद भी यही है कि वो यहां इस पॉन्स को आगे प्रमोट कर लेगा, और वही हुआ भी। बी वन इक्वल्स क्वीन, देन क्वीन गई डी सिक्स स्क्वायर पर, और यहां इस एग्जैक्टली अगले मूव में ये तीन क्वीन यहाँ ब्लैक तैयार कर सकता है। खैर उससे पहले यहाँ व्हाइट थ्रेट दे रहा अगले मूव में चेकमेट करने की, इस बात को मैं नजरअंदाज कर, तो इसीलिए ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन को रखा बी एट स्क्वायर पर, देन हुआ ई सिक्स, और फ्रेंड्स क्वीन एक्सचेंज ऑफर। ब्लैक ने यहाँ क्वीन एक्सचेंज की, क्वीन टेक्स डी सिक्स, सी टेक्स डी सिक्स। क्यों क्वीन एक्सचेंज की? क्योंकि यहाँ अगले मूव में ब्लैक का अगला मूव आना ही है ए वन इक्वल्स क्वीन, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर अगर इस गेम को ब्लैक को इक्वल रखना था तो उन्हें यहाँ क्वीन बी सिक्स चेक करना चाहिए। यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो किंग एच वन स्क्वायर पर जाता है, देन ए वन इक्वल्स क्वीन, रुक टेक्स ए वन, क्वीन टेक्स डी सिक्स, और चलिए रुक बीच में लग भी गया अगर इस एफ पॉन की डिफेंस के लिए, हाँ तब कुछ मामला इक्वल रहेगा। खैर फ्रेंड्स ब्लैक यहाँ इस गेम को जीतने वाला है, उन्होंने यहाँ इस पॉइंट पर अपनी क्वीन को प्रमोट किया, लेकिन यहाँ पहले व्हाइट ने किया ई सेवन, लेकिन क्या यहाँ रुक से क्वीन ले लेनी चाहिए थी? चलिए एक बार देखें, अगर यहाँ रुक टेक्स बी वन होता है तो क्या होगा? क्वीन डी फोर चेक होगा, किंग एच वन स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स डी सिक्स, और गेम फिर वही इक्वल ही जाएगी। चलिए व्हाइट ने इस गेम में ब्लैक के लिए इक्वलाइजर के चांसेस बहुत कम रखे, उन्होंने यहाँ ई पॉन को आगे पुश किया, और अगले मूव में वही चेक मेट की थ्रेट, तो क्या किया जाए? क्वीन बी सिक्स चेक, किंग या एच वन स्क्वायर पर, दैट्स ओके, देन क्वीन ए एट, और यहाँ इस पॉन से इस रुक को नहीं लिया, तो क्या किया यहाँ व्हाइट ने? व्हाइट ने यहाँ किया डी सेवन, और अब क्या कोई तरीका है अब ब्लैक के पास इस चेकमेट को रोकने का? क्यों? अगर आप इमेजिनेशन यहाँ यूज करें तो ब्लैक अब यहाँ कुछ भी मूव चले, यहाँ व्हाइट का ऑब्वियस मूव होने वाला है इस रुक को लेने, उसके बाद यहाँ ये डी पॉन आगे पुश होगा, और क्वीन जब इस डी सिक्स स्क्वायर पर आएगी तो उसके बाद यहाँ व्हाइट इस एफ पॉन को आगे पुश करके और अपनी क्वीन प्रमोट कर लेगा डेफिनेटली। तो ब्लैक लिए यहाँ से इस गेम को बचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फॉर्चुनेटली उनके पास यहाँ एक मूव है, उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स जी टू चेक, अपनी क्वीन सैक्रिफाइस कर दी। किंग टेक्स जी टू होने के बाद अब व्हाइट का किंग एक्सपोज है, क्वीन जी सिक्स चेक हुआ, किंग के लिए क्या बचा है? किंग के लिए बचा है एच वन स्क्वायर, क्योंकि अगर ये किंग मान लेते हैं यहाँ एफ फाइल में आएगा तो रुक टेक्स पॉन, और देन फाइनल मूव फ्रॉम एलोई वॉज क्वीन ई फोर चेक, और यहाँ इस मूव के बाद दोनों खिलाड़ियों ने ड्रॉ के लिए एग्री कर, क्योंकि अब तो ये गेम ड्रॉ होनी ही है। किंग अगर मूव होता है फिर वही रिपीटेड चेक्स के बाद इस गेम को ड्रॉ करना ही पड़ेगा। वेल फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छी लगी, ड्रॉ गेम थी लेकिन ड्रॉ कराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।